तो हम लोग सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट देखे थे और आज हम लोग उसी सेल्फ एनर्जी के कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सट्यूट करेंगे आगे भी। इसमें भी हम लोग देखेंगे कैसे इसको एप्लीकेट करना है क्वेश्चंस के अंदर। लेट यू सी हियर, जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज अ स्फेरिकल बॉडी, ये सॉलिड स्फीयर कह सकता हूँ मैं इसको, ये परफेक्टली चार्ज की गई है, क्यू चार्ज है, रेडियस आर है और चार्ज क्यू है, और इसके सेंटर से एक स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है, क्यू है। अब आपसे बोला गया है कि सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या है, यू सिस्टम इज नथिंग बट दिस इज अ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में तो सेल्फ एनर्जी भी आ जाती है, तो क्या कहेंगे, यू सेल्फ इसकी भी प्लस इसकी भी यदि है तो, लेकिन अभी इसकी तो है, यू सेल्फ प्लस इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी यू पेयर हो जाएगी के क्यू क्यू बाई कैपिटल आर, और यू सेल्फ कितना है, नो डाउट कि सॉलिड स्फीयर है, तो ऐसे में 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस, सॉरी ये स्मॉल एक्स है, माफ़ कीजिएगा, के क्यू क्यू बाई एक्स। यदि कभी भी ऐसी बात आए तो हमारा आंसर ये होगा, बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि दो, एक तो ऐसा स्फीयर है जो कंडक्टिव विद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मॉल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, रेडियस आर वन है, एक दूसरा स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है, कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है, और इनके बीच का सेपरेशन 2x है, 2x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, स्मॉल r भी हो सकता है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोला गया, इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। देखिए बड़ा आसान सा है, मैंने आपको बताया यू सेल्फ, अब यू सेल्फ इसका भी होगा इसका भी होगा, तो नो डाउट कि यू सिस्टम इज व्हाट, यू सेल्फ, अब मैंने पहले बता दिया यू सेल्फ इन दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल होगा, प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2x है, तो ये हो जाएगा यू सेल्फ, पहले इसकी बात करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r1, आपके पास ऑलरेडी कंसेप्ट है इसका, और इसका हो जाएगा 3/5 के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई r2 प्लस के क्यू क्यू बाई 2x। तो बड़ा आसानी से आप लोगों ने अब इनका सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर दिया है, नो डाउट कि बैक कंसेप्ट जो है, बैकग्राउंड में कंसेप्ट जो काम कर रहे हैं वो यू सेल्फ वाले काम कर रहे हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग आसानी से यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेट्स ऑल, ये क्वेश्चन का सिस्टम दिया हुआ है क्या, कि ये पहले क्यू स्मॉल चार्ज है, ये जो कंडक्टिव स्फीयर है इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से है कि इस पर कैपिटल क्यू चार्ज पहले से डिस्ट्रीब्यूट है। अब अभी दोनों शुरुआत में फिक्स्ड हैं, अब इसको रिलीज कर दिया जाता है, रेस्ट कंडीशन में है, इसको रिलीज करते हैं तो अब ये यहाँ से मोशन करना शुरू कर देगा, और एक्चुअली में यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये मोशन करेगा टुवार्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अब ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी स्पीड ऑफ माइनस क्यू चार्ज व्हेन दिस विल स्ट्राइक टू सरफेस ऑफ कंडक्टिव चार्ज। एक कंडीशन और है, नेगलेक्टिंग ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू मोशन।
ऑफ चार्ज, मतलब ये पूरा का पूरा फ्री स्पेस में है और इसको रिलीज किया गया है तो ये इधर अट्रैक्ट होके आएगा। तो इसका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हमने कहा कि नेगलेक्टिंग ऑल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो ऐसे में ये पहले एक्स डिस्टेंस पे है तो आपको पता है यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लो अप्लाई करेंगे, नो डाउट कि कोई और सिस्टम काम नहीं कर रहा है और कोई अदर नेगेटिव एनर्जी काम नहीं कर रही है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ होगी वो इसके स्ट्राइकिंग पॉइंट पे भी वही एनर्जी होगी। तो यूँ कह दीजिए कि टोटल ई टोटल इनिशियल इक्वल्स टू ई टोटल एट दिस पॉइंट, मतलब फाइनल कह सकता हूँ मैं इसको। तो इनिशियल में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू क्यू बाई एक्स प्लस इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ये तो होगी ही होगी, बार बार आपको कह चुका हूँ मैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी 1/2, इसका मास हमने नहीं दिया है, मास इज एम, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मास एम, और इसका भी मास एम है लेकिन ये रेस्ट में है, कैपिटल एम है, एम वी स्क्वायर, और ये वी तो जीरो है इनिशियल में, दैट इज इक्वल्स टू ई टोटल फाइनल, और ई टोटल फाइनल जब ये यहाँ आ जाएगा स्ट्राइक करेगा तो माइनस के क्यू क्यू बाई आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ये तो रहेगा ही, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर कह दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट कि दोनों सेम है, बच गया क्या आपके पास 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू 1/r माइनस 1/x। आपको तो v फाइंड करना था तो बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू 2k कैपिटल Q स्मॉल Q बाई m 1/r माइनस 1/x, और इससे v की वैल्यू मिल जाएगी होल रूट ऑफ 2k कैपिटल Q स्मॉल Q बाई m 1/r माइनस 1/x। तो इस टाइप से हम लोगों को कैलकुलेटर पोर्शन को सॉल्व करना होता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द क्वेश्चन। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन का ऑलरेडी जो यहाँ पे फॉर्मेट तैयार किया था उसमें बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं उसको नेगलेक्ट किया गया है। यदि मैग्नेटिक इफेक्ट्स को नेगलेक्ट ना करते तो आपका जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का जो टेक्निक होता वो कुछ अलग ही होता, फिर वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से बियॉन्ड जाके हमें बात करना पड़ता, मैग्नेटिक्स में जाके बात करना पड़ता। ऐसे भी क्वेश्चंस फ्यूचर में मैग्नेटिक्स में आएंगे, ज़रूर उसके भी सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बड़ा स्मार्ट सा है इसका आंसर, लेकिन समझिएगा, एक स्प्रिंग है वो किसी स्मॉल स्फीयर से कनेक्टेड है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और एक मेटल की स्फीयर के बगल में रखी गई, ऐसा अरेंजमेंट दिखाया गया है डायग्राम में, और दोनों इनिशियली अनचार्ज्ड हैं। अब ऐसा है कि अचानक दोनों पे चार्ज सप्लाई कर दिया जाता है, एक पर कैपिटल क्यू चार्ज, एक पर स्मॉल क्यू चार्ज, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये बताना है कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये भी बोला गया है कि ये कभी भी मोशन में नहीं होता, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन, इसका स्मार्ट सा सॉल्यूशन होगा। हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं बहुत ही आसानी से, लेट यू हैव द सॉल्यूशन हियर। क्या इनिशियली, अब ये तो जो कंडीशन है, हम इस कंडीशन में हम यूँ कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट वगैरह को नेगलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक आर नेगलेजिबल, इसको नेगलेक्ट करना है तब हम ये बात करेंगे।
यदि शामिल कर लिया जाता तो भी इसके आंसर निकाले जा सकते थे, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया फंडामेंटली वो यूज करवाना चाहता है आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्सन। तो जैसे ही इसको क्यू चार्ज देंगे, इसको स्मॉल क्यू चार्ज देंगे, तो दोनों पे इनिशियली चार्ज आ जाएगा। ऐसे में जो इनिशियल टोटल एनर्जी होगा वैसे का वैसे ही हम लोग करेंगे, ई टोटल इनिशियल इक्वल्स टू ई टोटल फाइनल कह दीजिए। सेम टू सेम बात है, सेल्फ एनर्जी दोनों की होगी ही, वो हमें अप्लाई करना ही है। तो और ये बताइए, ऐसे में स्प्रिंग जो है इसमें कोई भी ना तो कंप्रेशन है ना एलोंगेशन है, अपनी नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग। तो ऐसे में हम यूँ कह सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस के स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स, ये हो गया। और ये इनिशियल टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो फाइनल टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेल्फ एनर्जी तो रहेगा ही रहेगा, ये क्लियर है कि क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल तो होना ही होना है। प्लस अब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये वाली डिस्टेंस जो है और अलोंग और ज़्यादा हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी कि वन बाई टू स्मॉल के अब एक्स की जगह हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस एक्स मैक्सिमम। थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ पे नीचे लिखने के लिए हमें जगह मिलेगा क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो मैं उसको मिटा के नीचे लिख देता हूँ के क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स, या स्क्वायर नहीं आएगा माफ़ कीजिएगा, केवल आर आएगा ना, कुछ मिसप्रिंट हो ही जाता है आपको बता दूँ कभी कभार, एक्स प्लस एक्स मैक्सिमम, ये एक्स मैक्सिमम मैक्सिमम कंप्रेशन है, प्लस के स्मॉल के वन बाई टू स्प्रिंग का जो हम लोग फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, आपको एक्स मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इसको तो कैंसिल होना ही पड़ेगा। अब हमारे पास एक्स मैक्सिमम अप्लाई करवाना है, तो नो डाउट कि ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। यूँ कहिए कि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स, इसको मैं उधर ही रखना चाहूँगा, हालांकि उधर रखने से हमें कोई बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स प्लस एक्स मैक्सिमम प्लस वन बाई टू के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये हुआ। ये एक्स में क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक भी बड़ा अजीब है। कैसा अजीब है वो हमें देखना है। हम एक्स कॉमन ले लेते हैं एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स, नो डाउट कि ये एक्स मैक्सिमम होगा, तो ये एलोंगेशन ये कंप्रेशन बहुत इतना भी नहीं होगा कि एक्स से बहुत ज़्यादा होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दैट इज़ के क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स कॉमन ले लिया, वन प्लस एक्स मैक्सिमम बाई एक्स प्लस वन बाई टू के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। मैं इससे आगे की गतिविधि आप लोगों के लिए मैं बाद में छोड़ूंगा भी, नो डाउट कि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, पावर माइनस वन बन जाएगा, और जब पावर माइनस वन बन जाएगा तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स, और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स मैक्सिमम बाई एक्स। नो डाउट कि ये पावर माइनस वन होकर के यहाँ पर हम लोगों ने इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर दिया, प्लस वन बाई टू के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ से एक्स मैक्सिमम हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स मैक्सिमम हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये जॉब मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड एक्स मैक्सिमम। तो नो डाउट कि ये आप लोगों के लिए जॉब छोड़ दिया हूँ, आप लोगों को पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।